आपके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी हो जाता इस्लाम की ओर से? मतलब अभी तक क्या कोई फतवा जारी होने की ऐसी कोई खबर, या जो जो भी इस्लाम के खिलाफ बोलता है, अलग अलग मैंने कई वाक्य देखे कि उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है, अब तक क्या चीज उनको रोक रही है नाजिया इलाही के खिलाफ फतवा जारी होने से? देखिए, पीपल नोज वेरी वेल अबाउट मी, जो लोग मुस्लिम समाज के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से इस बात का आइडिया है कि मेरे खानदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरब में रहता है, बहुत बड़ा जी, 200 से ज्यादा बड़ा परिवार मेरा अरब में रहता है और मुकम्मल अरब में रहता है, तो उनको भी ये बात का आइडिया है। मदनी साहब को तो बहुत अच्छे से, मैं तो नाम लेकर के बोल रही हूँ, मदनी साहब को बहुत अच्छे से और अवेसी साहब को भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरे परिवार के 200 से ज्यादा सदस्य अरब में रहते हैं और प्रॉपर अरब में रहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर फतवा जारी हो। मैं तो बिजनेस क्लास का टिकट भेजूंगी मदनी को और बुलाऊंगी वहां। कैसे जवाब देंगी उनको अगर फतवा जारी हो जाता है भविष्य में? अगर संवैधानिक और इस्लामिक दोनों तरीके से जवाब दूंगी, दोनों तरीके से मैंने खुद को तैयार करके रखा। से ही खारिज कर दी गई आप अगर? ये तो प्रियांक जी किसी के बाप की ताकत ही नहीं है, एक बार करके तो दिखाए। इस्लाम में ही रहेंगी आप आखिरी सांस तक? आखिरी सांस तक कब्र में ही जाऊंगी पर गंगा स्नान भी करूंगी। ठीक है, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, कुल भी पढ़ा जाएगा मेरा, पर जय श्री राम भी करूं। देखिए, एक अब एक तरफ आप इस्लाम में हैं, इस्लाम नहीं छोड़ रही हूँ, एक तरफ इस तरह के बयान भी देती हैं कि भैया इस्लाम में मत आओ, इस्लाम अपनाने की, लोगों को इस्लाम में शामिल कराने की 4 स्ट्रेटेजी हैं। आपका एक बयान वायरल हुआ था, अल तकिया, दाई जिहाद, जजिया, इस तरह की आपने स्ट्रेटेजी बताई थी इस्लाम की, खुलकर बताएं जरा इस बारे में। देखिए, इस्लाम की 4 स्ट्रेटेजी है जिसको आज भी माना जा रहा है। सबसे पहला अल्तकिया होता है, मतलब कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊंगी कि प्रियांक जी मेरा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हम लोग दोनों भाई भाई हैं, हमारा मेरा और आपका खून लाल है, हम एक साथ रहते हैं, हम भाईचारा निभाएंगे। आपको एहसास हो जाएगा बेचारी बहुत मासूम है, इस्लाम मानती है और मुझे भी समझाने की कोशिश कर रही है। फिर दाई आता है, मतलब दावत है इस्लाम पे। फिर मैं आपको अपने घर पे बुलाऊंगी, कभी शेरनी खिलाऊंगी, कभी सेवई खिलाऊंगी, कभी शेर कुरमा खिलाऊंगी, एक आध बार झटके में नमाज पढ़वा दूंगी, एक आध बार झटके में आपको रोजा रखवा दूंगी, बस जैसे ही आप डगमगाएंगे वैसे ही मेरी जीत हो जाएगी। अब उसके बाद फिर अगर आपको होश आ जाता है कि अरे नहीं नाजिया, मैं तो प्रियांक ही ठीक हूँ, मैं तो सनातनी ठीक हूँ नाजिया, तब आता है जिहाद। भाई लाओ लाओ, अब तलवार लाओ और इसका सर तन से जुदा करो। अब वैसे में अगर आपका सर तन से जुदा हो जाता है फिर भी वो इस्लाम कबूल करेंगे, तब आता है जजिया, कि या तो आप इस्लाम कबूल करें, या तो मुझे प्रॉपर्टी दे, या तो मुझे आप संपत्ति दे, और या तो फिर अपने घर की बहु बेटियां दे। और नाजिया इस्लाम में रहकर ही मतलब ये बोल रही हैं कि भाई सावधान रहो, इस्लाम में बताओ, मैं तो हूँ लेकिन आप लोग बताओ। हाँ, मैं तो ये भी बोलती हूँ कि जो भी मुसलमान मर्द, जो भी मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है वो तो कुरान के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि सूरह अल बकरा, हमारे अल कुरान का सूरह अल बकरा ये चीख चीख करके कह रहा है कि निकाह जो है, ज़वाज जो है, शादी जो है, वो दो मुसलमान और हम कलमा में ही होता है। जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह पढ़ते हैं, जो लोग अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, उन्हीं दो लोगों के बीच में निकाह होता है, आमन तो बिल्ला है, उन्हीं दो लोगों के बीच में पढ़ा जा सकता है। तो एक तो मुसलमान मर्द हम मुसलमान बेटियों का हक मार करके सनातनियों को दे रहे हैं, दूसरा कि आप एक सनातनी लड़की से शादी कर कैसे रहे हैं, और अगर आप कन्वर्शन करवा रहे हैं तो ये तो संविधान के हिसाब से भी गलत है, आप किसी का कन्वर्शन नहीं करवा सकते हैं। ये मैंने हमेशा बोला हुआ है, जो गलत है वो गलत है, किसी भी मुसलमान मर्द को किसी भी गैर धर्म की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। भाई, हमारे मुसलमान समाज की बेटियां 40-40 साल की हो रही हैं, 32-32 साल की हो रही हैं, लेकिन आप जाकर के क्रिश्चियन से कर रहे हो, आप जाकर के जिहाद के नाम पर 72 वर्जिन हुरों के लालच में आप सनातनियों से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप मुसलमान लड़कियों से करो ना शादी, हमारे अल कुरान के खिलाफ आप क्यों जा रहे हो?